बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के पोस्टर फाटने की घटना सामने आई और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले टीएमसी ने नया स्लोगन जारी किया है, चुनावी साल है, बंगाल में बवाल है। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा से पहले नॉर्थ 24 परगना में पोस्टर फाड़ने की घटना सामने आई है तो सत्ता में वापसी की ख्वाहिश वाले टीएमसी ने चुनाव के लिए नया स्लोगन जारी किया है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने बंगाल की सियासत में खलबली मचा दी है, जिसमें एक शख्स बीजेपी के झंडे, बैनर और पोस्टर फाड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कैमरे में पोस्टर फाड़ता शख्स टीएमसी कार्यकर्ता है, जिसने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले बीजेपी के पोस्टर फाड़े। बीजेपी ने पुलिस से मामले की शिकायत कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। जय श्री राम के नारों को लेकर बंगाल में बढ़ रही सियासी सरगर्मी के बीच टीएमसी ने अपना नया चुनावी स्लोगन जारी किया है, बांग्ला निजेर में के ई चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। टीएमसी इस स्लोगन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि ममता बंगाल की बेटी है और बीजेपी बाहरी। टीएमसी का नया स्लोगन बंगाल की बेटी वाले सेंटीमेंट से जुड़ा है। सियासी पंडितों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने इस स्लोगन के जरिए अपने चुनावी अभियान में नई जान फूंक दी है। ममता समर्थकों को उम्मीद है कि ये स्लोगन सीधे वोटर्स को लुभाने में कामयाब होगा, जिसकी बदौलत सूबे में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी।